नमस्कार, मैं इमरान अली, आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल वाली। यहाँ की महिला नेत्री मंजू अग्रवाल को इस बार राजद से टिकट मिला है और उन्होंने राजद प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन भरा है। वहीं एक युवा प्रतिनिधि में भी और 2015 में भी मैं निर्दलीय प्रत्याशी रहूं हूं और जनता का यहां मुझे बहुत ही प्रेम मिला है। शेरघाटी विधानसभा की जनता के मैं आभारी हूं। मैं एक सामाजिक सेविका होने के नाते मैं सबका मदद की हूं। आज कोई भी नहीं कह सकता कि मैं मदद नहीं की हूं। मैं पहले थी भाजपा में, लेकिन मैं 10 से मैं निष्कासित कर दी गई थी और 10 और 15 में मैं निर्दलीय चुनाव लड़ी हूं। और आज हमें माननीय लालू यादव जी और माननीय तेजस्वी यादव जी ने महिला को सम्मान दिया है और मैं सभी शेरघाटी वासी से आह्वान करती हूं कि जिस तरह महिला का सम्मान मिला है और महिला आप लोग के बीच में 20 वर्षों से सेवा कर रही है, उसी तरह मैं सबका आशीर्वाद चाहती हूँ और मैं ये सेवा करने का एक मौका चाहती हूँ। देखिए, विरोध किसी का नहीं है। मैं एक महागठबंधन की पार्टी से आई हूँ और टिकट में जो कैंडिडेट होते हैं 2, 4, 10 या 15 उन्हें तो लगेगा ही, अगर एक को टिकट मिलेगा वो कुछ क्षण के लिए विरोध है, लेकिन सब विरोध नहीं है। सभी का आशीर्वाद मुझे आपके साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं आज। टोटल गिन लिया जाए सर, टोटल RJD के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जो हम लोग का वामपंथी सभी लोग हमारे साथ हैं। यहाँ की जनता दो दो बार ठगी ठगी महसूस कर रही है। नीतीश कुमार जी ने वादा किए थे कि विधायक दो हम जिला बनाएंगे, लेकिन यहाँ जनता दो बार विधायक दिया लेकिन जिला की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। नीतीश जी के बस की बात नहीं है जो ये जिला बनाएंगे, ये जिला हमारे माननीय आने वाले CM जो बनेंगे तेजस्वी यादव जी, उन्हीं के बस की चीज है।